फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पटियाला गार्डन टिप्स में। आज मैं पटियाला से जो राजपुरा को रोड जाता है वहाँ पे एक नर्सरी पे आई हूँ। उसका जो नाम है वो ये है, प्लांट्स मैन ब्लूम्स नर्सरी। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के समर के पॉट्स प्लांट्स सभी तरह के मिल जाएंगे। ये कुछ लुक है नर्सरी का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक रोड के ऊपर नर्सरी है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्लांट्स हैं। ये बॉक्सेस का प्लांट है, ये 125 का प्लांट है, ये कुछ कॉस्टली होगा उससे। ये हमारा आ जाता है, नाम भूल जाती हूँ मैं भाई, सॉरी। तो ये है जैस्मिन। इसके बाद यहाँ पे रोज़ आ जाता है। ये देखिए विंका के, इनके पास पटियाला में आपको इतने कलर मिल जाएंगे ना, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इनके पास बहुत सारी विंका है। ये वो पेंसिल पॉइंट कुछ है, इसका नाम मैं भूल गई, सॉरी, पेंसिल पॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको 5-5 रुपए की जो है विंका की जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं वो मिल जाएंगी। वो वाली हैं जो वो सनफ्लावर्स की हैं। तो अगर आपको आवाज़ नहीं भी सुन रही हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रोड पे नर्सरी है और रोड पे आवाज़ थोड़ी कम आती है क्योंकि वाहन इधर उधर गुजर रहे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे प्लांट्स हैं, वेल मेंटेन और बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्लांट हैं जो आप देख रहे हैं। ये जीनिया के फ्लावर्स हैं, ये 30 रुपीज़ का पर प्लांट है। बहुत खूबसूरत फूल हैं ये, देखिए जैसे किसी ने चादर बिछा दी हो, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स की बहुत सुंदर प्लांट हैं। हर एक कलर है, आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। आप आएँ एक बार, विज़िट करें इस नर्सरी को। तो ये देखिए यहाँ पे विंका है, ये सारा विंका पड़ा है। इसके बाद फिर जीनिया मिल जाता है आपको, वो आगे तक जीनिया है। तो कुछ इधर कोलियस के प्लांट हैं, कुछ यहाँ पे आपको बॉन्ज़ाई मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर कोई बॉन्ज़ाई बनाना चाहता है तो प्लीज़ इस नर्सरी को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बॉन्ज़ाई मटेरियल आपको 250 में मैं बताऊंगी कि इतना अच्छा और सुंदर बॉन्ज़ाई मिल रहा है। वो भी बना बनाया आपको विद बॉन्ज़ाई ट्रे और लगा हुआ है प्लांट, बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन है, आप ख़रीद सकते हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक बार। तो ये देखिए ये सभी मिर्ची की पौध है। ये यूफोर्बिया मिली है, यूफोर्बिया मिली का विद पॉट प्राइस तो मुझे नहीं पता, बट विदाउट पॉट 50 रुपीज़ का ये देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इधर कॉक्सकॉम लगा हुआ है सारा ही समर वाला। वो विंका है, तो बालसम है, यहाँ पे बालसम भी ख़रीद सकते हैं आप यहाँ से, बहुत अच्छा बालसम है। एक वो जो फ्लावर होता है ना, उसे ब्लैंकेट फ्लावर बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और वो फ्लावर जो है समर में भी रहता है, ये फ्लावर विंटर में भी रहता है। ये देखिए ये कलर है, एक ये कलर है, बाकी कलर अभी खिले नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सारा विंका आ जाता है, विंका के बाद इधर भी सारा विंका है, उसके बाद फिर मिर्चों की पनीरी आ जाती है, इसके बाद फिर यहाँ पे सारा जिनिया लगा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े काफ़ी प्लांट्स हैं और ये नर्सरी काफ़ी बड़ी है, मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी, बस जितना आपको दिखाऊँगी आप उतना देखिए। तो यहाँ पे जीनिया है, ये कुछ बड़े वाला जो हाइब्रिड वो होता है ना, मैं नाम भूल गई, सॉरी फ्रेंड्स, वो वाला प्लांट है ये। यहाँ पे आपको सभी तरह के एवरग्रीन प्लांट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो नर्सरी पे आइए ज़रूर। और बहुत अच्छे वेल मेंटेन प्लांट हैं, कोई भी प्लांट आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ख़राब प्लांट है। देखते जाइए बस आप, इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। मैंने इतने प्लांट्स और इतनी बड़ी जो नर्सरी है यही देखी थी जब मैं सबसे पहले यहाँ पे आई थी पटियाला में। तो ये नर्सरी बहुत अच्छी है। ये आपको यहाँ पे मिल जाता है कड़ी पत्ता का प्लांट, 50 रुपीज़ का है ये। ये मेरे को नहीं पता क्या है। तो ये फाइकस है, ट्राई कलर वाला। इसके बाद यहाँ पे जेड आ जाता है। यहाँ से आप जो जेड लेके जाएंगे ना, उसकी रूट जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुई हुई है और आप बहुत अच्छे वो प्लांट्स यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रियो आ जाता है, रियो के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है हैबिस्कस जो हाइब्रिड वाला है। इसके बाद यहाँ पे भी मॉस रोज आ जाते हैं सभी। उसके बाद कॉक्सकॉम आ जाता है,
उसके बाद यहाँ पे काफ़ी विंका है, और उसके बाद काफ़ी तरह का आपको बोगन विलाप देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ओरिएंडर है, छोटे वाला जो ओरिएंडर होता है जो हम सड़कों पे लगा हुआ देखते हैं, पिंक कलर है, वाइट कलर है, डार्क पिंक कलर है, ये देखिए काफ़ी अच्छे कलर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद अगर आप बॉन्साई मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है फाइकस पांडा का बॉन्साई मटेरियल प्लांट, बहुत अच्छा सुंदर और वाजिब रेट में प्लांट है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं इनके पास। वो वाला जो प्लांट है ना, मैं वहाँ वो वाला लेके गई थी इनसे, सॉरी मैं हिंदी में पंजाबी मिक्स कर देती हूँ, तो वो वाला लेके गई थी, ये वाला येलो चंपा का प्लांट है। तो ये है रिबन ग्रास, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं। ये देखिए ये मैक्सिकन हीथर का पर्पल वाला प्लांट है, मैं यहीं से लेके गई थी दो तीन प्लांट अपने। तो लेंटेना है यहाँ पे, दो तीन कलर्स का है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, तीन चार कलर्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा, वाइट वन, पर्पल वन और येल्लो एंड रेड। तो एक प्लांट मैंने ये वाला परचेज किया है, बहुत सुंदर प्लांट है, ये बोल रहे थे हैज है, बट मैं इसका कुछ बॉन्साई टाइप बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो प्लांट मैं आपको बोल रही थी, ये देखिए बहुत अच्छे सुंदर पीपल के बने बनाए बॉन्साई हैं। आप अगर परचेज करना चाहते हैं, आपको बॉन्साई का शौक है, तो यहाँ से ज़रूर लेके जाइए। ये आपको 250 में विद पॉट प्लांट देने हैं, इतना सुंदर प्लांट विद पॉट आपको बॉन्साई ट्रे में, ये 250 की तो बॉन्साई ट्रे ही होगी भाई, नहीं मिलेगा, मैं सच में बोल रही हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर इस नर्सरी पे आएँ और परचेज करें इन प्लांट्स को। तो ये एक न्यू चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, कुछ पर्सलेन बोल रहे थे वो इसको, पर्सल शायद कुछ, मेरे को नाम नहीं पता, भूल गई मैं, सॉरी। तो ये एक न्यू प्लांट देखा मैंने यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि ये 20 रुपीज़ का प्लांट है और समर थ्रू विंटर्स ऑल द सीज़न चलता है, आप तो ये भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं ना, इतने बड़े प्लांट्स हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत सुंदर प्लांट्स हैं ये, देखिए आपने शायद ये चीज़ इस टाइम पे नहीं देखी होगी, कितना अच्छा स्नो वाला लुक आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा वो देसी वाला प्लांट होता है ना, जो सॉरी यार मैं नाम भूल जाती हूँ, मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं पर मेरे पास वाइट वन नहीं है, मेरे नेबर्स के पास है, मैं वहाँ से सोच रही हूँ लेके आऊँगी। ये स्नो वाला लुक देता है पूरा, ये वैसे विंटर का प्लांट है बट इस पर अभी तक बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, तो नाम भूल गई मैं, सॉरी। तो ये देखिए ये ग्रीन वाला फाइकस है। इसके बाद यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये एक बेल लगी हुई है, ये फाउंटेन वाली बेल है, वो जो फाउंटेन ग्रास बोलते हैं जिसको, वो वाली। तो एक ये है, इसका नाम नहीं मेरे को पता, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं ये परचेज करने की सोच रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेरी के प्लांट लगे हुए हैं, बेरी वो छोटे छोटे बेरों वाली होती है। तो ये यहाँ पे पूरा बोगनविला का सेक्शन है, ये टी बोगनविला है, ये बोल रहे हैं कि हम 80 या फिर 70 रुपए का आपको देंगे टी बोगनविला, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वैसे मेरे को बहुत कॉस्टली लगा ये। ये देखिए ये विंका के प्लांट्स हैं सभी के सभी, यहाँ पे आपको पर्पल कलर विंका मिल जाएगा, ये देखिए पर्पल, पूरा पर्पल कलर, हर एक कलर है इनके पास विंका का, पूरा सुंदर से सुंदर कलर है, आप जो भी चाहें इनसे लेके जा सकते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं पूरे विंका के, ये सभी का सभी विंका लगा हुआ, ये वाला भी और ये वाला भी। विंका का प्लांट 25 रुपीज़ पर प्लांट है। तो ये देखिए ये पूरा बोगनविला लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये बोगनविला यहाँ पे वाइट वन है, और ये वाला जो है वो डबल पेटल जो आता है ना वो वाला लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप विंका देख सकते हैं। इधर साइड पे कुछ ग्रीन प्लांट हैं फाइकस के, बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये है नीम का पेड़, तो आपको सारी की सारी नर्सरी मैं एक बार दिखाती हूँ, सॉरी अगर आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो तो उसके लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है, हम शाम को परचेज करने आए थे प्लांट, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी नर्सरी है,
दूर दूर तक आपको सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आएंगे, बहुत सुंदर प्लांट्स हैं। और सभी के सभी प्लांट्स इतने अच्छे वेल मेंटेन हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे आपको समर के हर तरह के प्लांट मिल जाएंगे। ये देखिए, ये कॉस्मोस है, 25 रुपीज़ पर प्लांट है, बट सिंगल पेटल है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर आप बोलेंगे कि आपने बताया नहीं था सिंगल पेटल है या डबल पेटल। तो यहाँ पे आपको बने बनाए बोनसाई मटेरियल बोगनविला मिल जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे हैं बोगनविला। और इनका खुद का एक छोटा सा गार्डन है, आपको वो भी व्यू करवाते हैं हम सभी। ये देखिए अंकल जी ना अभी प्लांट्स में से वो जो छोटे छोटे पौधे पैदा हो जाते हैं, घास फूस, वो निकाल रहे हैं। तो बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ नर्सरी ही नज़र आएगी। तो ये देखिए, वहाँ तक दूर तक आपको नर्सरी ही नज़र आएगी सारी की सारी। तो ये इनके कुछ जो छोटा सा गार्डन होता है वो बना हुआ है। यहाँ पे येलो बेल का प्लांट लगा हुआ है, नींबू के प्लांट्स हैं, आप सभी के सभी देख सकते हैं। इसके बाद आगे का लुक आपको बाद में दिखाते हैं, ये यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे पॉट्स पड़े हैं इनके, सभी पॉट्स का अलग अलग रेट है, कोई 50 का है, कोई 100 का है, ये 100 का है और ये 60 का है, ये 55 रुपीज़ का पॉट है। यहाँ पे भी कुछ पॉट पड़े हैं इनके। तो अब आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं, ये इनका ग्रीन वन कॉर्नर है। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपने वो वाले प्लांट्स रखे हुए हैं जिनको हम सक्कुलेंट्स या फिर इंडोर प्लांट्स बोल देते हैं। ये क्रॉटन है बंगाली, ये पीस लिली है, ये जीजी प्लांट है, इसके बाद ये वाइट वन या फ्लावरिंग वाला जेड जो होता है वो वाला प्लांट है। ये विद पॉट आपको 400 रुपीज़ के मिल जाएंगे। सब पे प्राइस मेंशन है, बार्गेनिंग नहीं है यहाँ पे। ये 700 का बोनसाई प्लांट है और ये है क्रेसुला का प्लांट, आई डोंट नो इसका प्राइस कितना है। ये भी कुछ सकुलेंट्स हैं, ये शायद पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, बट ये भी बोनसाई मटेरियल ही है। तो यहाँ से आप इन सब प्लांट्स को जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको परचेज कर सकते हैं। पौनी सेटिया देखिए कितना सुंदर है, ये ऑरेंज वन है जो बोलते हैं हम एक्जोरा, उसके इसमें 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। प्राइस नहीं मेरे को पता, ये शायद येलो है, वो वाला लाइट ऑरेंज है, वो वाला वाइट है। तो इसके बाद यहाँ पे 200 का बोनसाई लगा लगाया आपको ट्रे में मिल रहा है, बट ये यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 40 रुपीज़ का आपको विदाउट पॉट मिल जाता है। ये एलोवेरा है, ये कुछ प्लांट्स हैं। तो इसके बाद मैं आपको नर्सरी का ओवरव्यू देते हूँ पूरा। ये देखिए पूरी ये नर्सरी, ये सनफ्लावर है 25 रुपीज़ का, ये विंका है 25 रुपीज़ का, गोंगफ्रेना 25, ये भी 25 का है, ये मेरे को मिर्चों का राइट नहीं पता, ये भी 25 का गोंगफ्रेना है, ये कॉक्सकॉम है 25 का, ये सभी जूनिपर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पॉट्स भी मिल जाते हैं, ये देखिए ये ना 90 रुपीज़ का पॉट है। यहाँ पे सभी सिरेमिक के पॉट्स हैं, सभी अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं और नर्सरी से अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। जिनको खासकर अपना गार्डन डेकोरेशन करना है, जिनकी बजट इतनी सी है कि वो महंगी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। इस नर्सरी पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाती है। ये देखिए ग्रूट प्लांटर है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप प्लीज़ नर्सरी पे आएँ, विज़िट करें, परचेज करें अच्छे अच्छे प्लांट्स, और आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, मेरे को अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं और मैं थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर लेती हूँ। तो प्लीज़ नर्सरी पे ज़रूर आएँ, नर्सरी का नाम आपको शुरू में मैंने मेंशन कर दिया है। तो ज़रूर आएँ, विज़िट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी अच्छी आपको नर्सरी दिखाई है, वही सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ जो आपके गार्डनिंग करते हैं, एंड थैंक यू मेरे को इतना प्यार देने के लिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।